सब्सक्राइबर इनो, क्या नाम है आपका भैया? बोलो। सैनिया अहमद भैया, तो इन्होंने बोले लिफ्ट देंगे आपको, तो हम जाएंगे वहाँ पे एमजी रोड में, वहाँ से हमने कपड़े और चार्जर ले रहे हैं। तो भैया का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ से लेके जा रहे हैं। हमने 200 रुपया भैया दिया, बहुत ही अच्छा है। तो अब यहाँ से निकलते भैया से, बहुत ही शुक्रिया कहते कि इतने सस्ते में दिए 200 में, नहीं तो नहीं मिलता क्या भैया 200 में? बहुत शुक्रिया भैया। फोन का दुकान का फोन सभी बंद है, तो हमें यहाँ से लौट के जा रहा, पब्लिक है ही नहीं, जा रहा पूरा खाली खाली। अभी 8:30 रहते, हम यहाँ से निकल के जाएंगे अभी सेडू होटल ही। आपका स्वागत है गाइस। अभी हो रहे 2 घंटे, और गाइस बता दें कि हमने सुबह से आपको ब्लॉग में कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि गाइस मेरा चार्जर ही टूटा हुआ है, जो देख सकते हैं यहाँ पे केबल। तो हमारे एक भैया पेंट वाले भैया है, जो हमें रिक्वेस्ट किए थे, रिक्वेस्ट नहीं, वो हम उनको चार्जिंग कर दिए थे, तो उन्होंने भी चार्जिंग जब सुबह में आए तो इनको चार्जिंग में मालूम चला कि हमारा फोन ऑफ है, जिसके कारण इन्होंने चार्जिंग घर से लेके आए थे और यहाँ आके फिर गए थे चार्जिंग लेके आए। और मेरे लिए हमको लाख भी दे रहे थे, तो हम क्या बोले कि नहीं हमने चार्जिंग ऑनर के घर में दे दिए, तो वहाँ चार्ज के केबल ये टूटा हुआ है, जिसको हम आज जाएंगे तो एमजी रोड से जाकर वहाँ से बता देंगे। घर में भी पेंट का काम फाइनल होने को है बस, और सभी काम फाइनल है। तो आपको बता दें ये जो कलर लगाया है, ये सबसे हमें फेवरेट कलर लग रहा है, और कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो भैया काम कर रहे हैं, इमरान भैया, जिसको ऑलरेडी हम ब्लॉग्स में आपको दिखा चुके हैं, जो कालानगर में काम करते थे, तो वही भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे 2-3 कलर जो लगा रहे हैं भैया, बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर। तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना हमारे इमरान भैया, जो ऑलरेडी हम उनको कालानगर में दिखा चुके हैं, जो वही काम कर रहे हैं। तो इधर में हमारे इमरान भैया खाना भी नहीं खाया, खाए सभी जने खा लिए, तो सभी जने अभी खा के लंच के लिए बैठे, तो हमें भी खाना खा के आए, तो अभी सब ब्लॉग स्टार्ट करके आपको बताना भी है। और आज ही हम एमजी रोड जाकर वहीं से हम लेके आएंगे चार्जर, और उसके बाद ही हम ब्लॉग थोड़ा अच्छा से कर पाएंगे। घर में चार्जिंग का क्या है कि लाइटिंग सिस्टम ही कटा हुआ है, जिससे कारण हमें बहुत ही ब्लॉग एडिट करना, ब्लॉग बनाना बहुत ही कठिन हो गया, पर जिस तरह भी हमें एडजस्ट तो कर रहा है। तो अभी चलते हैं, काम दिखाएंगे क्या क्या काम हो रहा है, उसके बाद शाम को चलेंगे। तो अभी हमें अनुमंतना जा रहे हैं सीमेंट लाने, और हम सीमेंट लेके जाएंगे, तो अभी सीमेंट लेके जाएंगे, हम मिक्सिंग करेंगे हमें। तो आज हम लोग, हमें और कृष्णाना काम कर रहे हैं, जो छत के ऊपर रेत के अभी जुड़ा रहा है, तो देख सकते हैं। और आज का मौसम बहुत ही ठंडा है, रियली में आज ठंडा है, और बारिश का आज मौसम नहीं, तो आज काम ख़त्म होने के बाद एमजी रोड चलेंगे और देखेंगे वहाँ का भी। बहुत ही एमजी रोड नाइट बहुत ही अच्छा लगता है, तो चलते हैं पर्सनली, आज जाएंगे चार्जर के लिए। तो अभी हमारे कृष्णाना कुछ गाना गाएंगे, तो देख सकते किस तरह से लोग गाना जो गाते हैं, फुल कबड्डी तरह गाते हैं, देख सकते हैं गाते हैं कृष्णाना। क्या दिए नहीं तो गाना गाना गाओ बाबा, गाना बजाना, छूटते किसके नहीं मेरे के आना, ये नहीं तो सांगे थे यार, सलम सांगे थे ये लो को मंगी लो पर रंग मगाओ न पर पकर पकर पकर। तो ये बहुत कमेडी करते हैं वाकई में, जब भी हम इनके साथ रहते हैं ज़्यादा कमेडी मारते हैं, और हमारे जितने टीम में सभी जने सब कॉमेडियन गए, सही में कोई ना कोई कॉमेडी आदमी। तो फाइनली गाइस अभी हम लोगों का काम खत्म हो गया, और गाइस अभी हम जाएंगे कहाँ, एमजी रोड। तो उससे जाने से पहले क्या होगा कि अभी हम राजू ना कॉल लगाएंगे और उनसे पैसा लेना है, क्योंकि हमें मिनिमम 200 रुपये लेने हैं, और हमारे पास 1 भी रुपये नहीं है, तो 200 रुपये लेंगे क्योंकि अच्छा वाला केबल लेंगे ताकि फास्ट चार्जिंग होगा। तो चलते हैं राजू ना कॉल लगेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे एमजी रोड। तो ओके गाइस, हम तो बता दें कि हमारा तो काम खत्म हुआ है, पर अभी हमारे पेंट वाले भैया रहीम भैया का भी काम खत्म हो गया है, और हमारे ये भैया यहाँ से देख सकते हैं, ये भी हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, यहाँ पे जो भी हम लोग काम करने आते हैं वो भैया हम लोग हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर जो भी हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ से जा रहे थे एमजी रोड ही, तो हमारे भैया मिले जो बोले थे लिफ्ट देंगे, तो हमारे सब्सक्राइबर ही नो, क्या नाम है आपका भैया? बोलो। सैनिया अहमद भैया, तो इन्होंने बोले लिफ्ट देंगे आपको, तो हम जाएंगे वहाँ पे एमजी रोड में, वहाँ से हमने कपड़े और चार्जर ले रहे हैं। तो भैया का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ से लेके जा रहे हैं, हमने जितने जा रहे थे भैया इस तरफ जाए तब चलते हैं हम देखते। तो अभी हम एक भैया दुकान में आए, जहाँ पे हमारे छोटे भाई यहीं पर छोड़े, उन्होंने बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, जाओ आप। तो हम यहाँ से कपड़े लेंगे और देखते हैं कौन सा हमें पैंट लें, नेक पैंट वो यहाँ से लेते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे चार्जिंग में। तो अभी हमने यहाँ से पैंट ले लिया, भैया वाकई में बहुत ही सस्ते में दिए, और हमें मिनिमम काम चलाने के लिए, क्योंकि काम के लिए भी हमारा कपड़ा नहीं है,
जिससे कहा हम यहाँ से अभी नेक पेंट लेके जा रहे हैं जो इधर से 200 रुपये में भैया दिए, बहुत ही अच्छा है। तो अब यहाँ से निकलते भैया से बहुत ही शुक्रिया कहते कि इतने सस्ते में दिए 200 में, नहीं तो नहीं मिलता क्या भैया 200 में, बहुत शुक्रिया भैया। हमने यहाँ समीर भैयागंज से दुकान से हमने कपड़े लिए और हम चलते हैं अभी कहाँ हमें जाना है, क्योंकि हमें कपड़े के बाद हम क्या लेना है, वायर लेना है चार्जर के, तब चलते हैं। वाकई बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े हैं पर हमने कपड़े वहाँ पे पैसे कम होने जिसके कारण हमने कम दाम वाला लिया, तब चलते हैं। वाकई भैया बहुत ही कम दाम पता है, अभी हम वहाँ पे ब्लॉग कर रहे थे तो आदमी क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, ऐसा गुस्सा से बोल रहा था, ऐसा होता है पब्लिक सिटी में अगर ब्लॉग करते तो बहुत कोई गुस्सा हो जाता है क्या कर रहा है ऐसा बोलने लगता है, उनको मालूम नहीं कि वो ब्लॉक करे क्या करें। तो अभी हम एम सी रोड के सामने जा रहे हैं, वाकई में अगर नाइट में आप आते तो बहुत ही लाइट से भरा पड़ा रहता है सभी जगह, आपको जरूर बताया। तो हमें चलते हैं अभी जल्दी से लेंगे और उसके बाद जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत हो गया, इन्होंने 9 घंटे हो रहे हैं और अभी हम जाके जल्दी से लेंगे। वाकई में बाजार बहुत ही अच्छा लग रहा है और अभी रात हो रहा है जहाँ से इसके अगर पब्लिक कुछ भी ज़्यादा नहीं दिख रहा देख सकते पूरा ही एम सी रोड का। और यहाँ पर ज़्यादातर हमें दिखता है ना कपड़े का दुकान है बहुत ही यहाँ। तो गाइस एम जी रोड में आते हुए मालूम चल रहा है कि पूरी तरह से दुकान बंद ही हो रहा है, देख सकते हैं आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं। तो अभी पब्लिक लोग जा ही रहे हैं क्योंकि मालूम नहीं इतना जल्दी क्यों बंद करते, अभी 9 घंटे भी नहीं हुए अभी बंद कर रहे हैं सब, देख सकते चारों बंद ही हो रहा है अभी दुकान। तो गाइस हमें यहाँ एम जी रोड में कहीं भी फोन का दुकान का फोन सभी बंद है, तो हमें यहाँ से लौट के जा रहा है, पब्लिक है ही नहीं ज़्यादा पूरा खाली खाली, अभी 8:30 रहते हैं, हम यहाँ से निकल के जाएंगे अभी सेरू होटल ही, वहीं पे कहीं मिलेगा तो वहाँ से लेंगे चाले पर लेना जरूरी। तो फाइनली अभी हम आ चुके थे सेरू होटल पास और यहाँ भैया के दुकान से हमने यहाँ पे चार्जिंग केबल ले लिए, तो कैसे बताते हैं यहाँ पे हमने अभी चेक करके लिए तो भैया के पास मिनिमम 200 रुपये भैया बता रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा कम पैसा है जैसे हम भैया को कम दिए तो रख के उन्होंने पैसा बोले ठीक है कल दे रहे, हम बोले कल देंगे। तो अब यहाँ चलते वाटर बहुत फास्ट चार्ज हो रहा है, जैसे हम जैसे ओरिजिनल चार्जिंग लिए थे तो सेम वैसा ही है। तो अब यहाँ से चलते हैं। तो गाइस अभी हम मानता है मिनिमम हो रहे अभी 9 घंटे और इतना लेट हम जा रहे हैं और अकेला, क्योंकि अभी बिरेसा भाई को कॉल आया तो बिरेसा भाई घर से चले गए, तो अभी हम अकेला ही जा रहे हैं इतना लेट। तो फाइनली गाइस अभी हो रहे हैं 9 घंटे और 30 मिनट्स और गाइस हम जब भी फ़ोन हमारा आपको मालूम है कि फ़ोन हमारे घर में चार्ज जो भी लाइन है वो है ही नहीं, पूरा कटा हुआ है पूरा ख़त्म है, यहाँ से आपको यहाँ पर दिखता हुआ चाहिए हमारे जो भी गली में जो भी घर है ना, यानी 3-4 घर हमारे एक लाइन में आता है, तो यहाँ पे सभी बोर्ड यहीं पे लगा हुए थे, तो यहीं से हमारा मेन लाइन कटा हुआ है। तो ये लास्ट घर है जी अक्का का घर जहाँ पे हमने फ़ोन चार्ज यहीं पे डेली करते हैं और यहीं से अब लास्ट है, बताते कि यहाँ पे हमारा फ़ोन हर रोज यहीं से चार्जिंग करके देते हैं, तो अक्का चार्ज करके देते हैं। अभी मिनिमम हमें 60% है जिस कारण हमें आपको बता पा रहे हैं और फ़ोन भी हमें एडिट कर पाएंगे, जितना आप चार्ज उतना हमें बहुत कुछ कर पाएंगे। बस आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करना, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा तो जरूर शेयर करना कमेंट करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।